नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord CE 4 5G versus Realme C65 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो CE 4 5G में 6.4 इंच जबकि C65 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो CE 4 5G में 2.96 इंच जबकि C65 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो CE 4 5G में 0.33 इंच जबकि C65 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो CE 4 5G में 186 ग्राम जबकि C65 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो CE 4 5G में AMOLED जबकि C65 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो CE 4 5G में 20:1:9 जबकि C65 5G में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो CE 4 5G में 6.7 इंचेस जबकि C65 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन CE 4 5G में 1080x2412px FHD+ और C65 5G में 720x1604px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो CE 4 5G में 88.57% जबकि C65 5G में 85.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो CE 4 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि C65 5G में 264 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो CE 4 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और C65 5G की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो CE 4 5G में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और C65 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो CE 4 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और C65 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो CE 4 5G में Adreno 720 जबकि C65 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो CE 4 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और C65 5G में MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें रैम की तो CE 4 5G में 8 GB जबकि C65 5G में 4 GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो CE 4 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि C65 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो CE 4 5G में अप टू 1 TB जबकि C65 5G में अप टू 2 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी CE 4 5G में 5500 mAh जबकि C65 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो CE4 5G में दो कलर्स जबकि C65 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो CE4 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,993 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें C65 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 11,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में CE4 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में CE4 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G0 4G है, दूसरा टेक्नो कैमन 35G है, तीसरा रियलमी 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।